व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम देम हाँ, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम देम देम। तो बहरहाल जो चार क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आए हैं। हाँ अभी जो बेसिकली पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको हम ज़रा डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहले आता है राइम स्कीम, राइम स्कीम, ठीक है। हाँ हाँ, वेलकम वसीम, शाबाश। तो राइम स्कीम में, राइम स्कीम आपको मालूम है क्या होता है? अगला हाँ, वेरी गुड। तो जो लास्ट वर्ड होता है किसी भी लाइन का, अगर उसका रिदम जो होता है, उसकी साउंड जो होती है, तो मैं राइम सिक्किम बोल रहा था। पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहले राइम सिक्किम आता है। तो इस आप खामोश रहिए, खामोश से सुनिए। इसमें राइम सिक्किम में हमारे पास, उमर आप मुझे बताइए क्या राइम सिक्किम है इसमें? इसमें कोई रेंज की नहीं है। वेरी गुड। हाँ वसीम, सर बताओ राइम सिक्किम आपको मालूम है क्या होती है? राइम सिक्किम मालूम पता नहीं है है? पता नहीं है। नहीं सर। हाँ, आप पोएम की तरफ देखो। जो पोएम की लाइन्स होती हैं, जो सर जो लास्ट वर्ड्स होते हैं, तो जन पैतम वर्ड्स आसान मसन। पहला पहली लाइन है, रिमेम्बर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। दूसरी अनस दूसरी लाइन है, बिनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीद्स। तीसरी लाइन सर है, लाइक अवर्स, आप नज़र रखो ना किताब की तरफ। लाइक अवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन। तो इसी तरह चौथी लाइन है, इज अर्थ लाइक हिज इन विच वी ऑल शैल लाई। तो लास्ट सर वर्ड जो है हर लाइन का, पहली लाइन में फॉरेन है, दूसरी लाइन में ब्रीदस है लास्ट वर्ड, तीसरी लाइन में अपॉन है, और चौथी लाइन में लाई है, जैसे कि उमर को मालूम है। तो इन चारों वर्ड्स की जो फोनेटिक्स है, आवाज़ है, सुनिए वो मिलती जुलती नहीं है, ठीक है। ठीक है उमर, शाबाश। तो इस तरह से इसमें कोई राइम सीखिए। आप मुझे बता सकते हैं इसको हम क्या, किस किस्म का वर्स डिक्लेयर कर सकते हैं? शाबाश, वर्सेस वेरी गुड। सो इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज थ्री वर्सेस, क्योंकि इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। नहीं वरना क्या राइम स्कीम हो सकता है? शाबाश जी, बताओ उमर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तेल क्या राइम स्कीम चाहता, अगर फ्री वर्स है इसमें? अगर पहला पहली लाइन का वर्ड और दूसरी लाइन का वर्ड मिलता है, उनकी साउंड मिलती है, उसको हम क्या राइम स्कीम बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ए ए। क्या बोलते हैं? हाँ, शाबाश, ए ए। अगर पहली लाइन का वर्ड और दूसरी लाइन का वर्ड
और फिर तीसरी लाइन का वर्ड और चौथी लाइन का वर्ड, मतलब ये भी हो सकता है, ए ए बी हो सकता है और ए बी बी हो सकता है, ए बी, ठीक है। ये हम अगली पॉइंट में आप पॉइंट में आपको समझा समझाते हैं। फिलहाल आप इस पॉइंट में याद रखिए कि इसमें कोई रैम स्कीम नहीं है, बल्कि ये फ्री वर्स है, ठीक है, राइट उमर? तो राइम आपको क्लियर हो गया ना? सर। वसीम, आपको राइम क्लियर हो गया? हाँ। सो नेक्स्ट इज उमर, दैट पोएटिक डिवाइस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिमेंबर, दैट इज रिपीटिशन, दैट इज रिपीटिशन, REPITION, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, लिखने में लिखने का एक अंदाज होता है राइटर्स का और पोइट्स का, ठीक है। तो जैसे इस पोएम में कौन सा वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, बता सकते हो? शाबाश, कौन सा वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है रिपीटेडली? शाबाश उमर, कोई वर्ड तो होगा ना जिसको रिपीटेडली इस्तेमाल किया गया हो पूरी पोएम में। कोई वर्ड है पोएम को, पोएम पर एक नजर डालिए आप। शाबाश, देखो पहली लाइन में है रिमेंबर, है ना? नो मैन आर नो मैन आर स्ट्रेंज, है ना? यस सर। मतलब इसमें रिमेंबर है। फिर दूसरा सिटेंजा, दूसरा सिटेंजा नहीं, फिर तीसरा सिटेंजा है, इसमें भी रिमेंबर है? अनस हाँ, तीसरा सिटेंजा। फिर चौथा सिटेंजा अनस है, इसमें भी रिमेंबर है? अनस फिर पांचवा सिटेंजा है, इसमें भी, चौथे सिटेंजा में दो बार रिमेंबर है, पहली लाइन में और लास्ट पहली लाइन में और लाइन में वेरी आखिरी गुड लाइन लास्ट लाइन में, और जो लास्ट सिटेंजा है उसमें लास्ट लाइन में रिमेंबर है। तो रिमेंबर वर्ड जो है ये पूरी पोएम में रिपीट हो गया है, इसको हम रिपीटिशन बोलते हैं, ठीक है। सर। शाबाश। इसी तरह फिर हम अगर सेंटेंस की बात करेंगे या एक सेंटेंस के पार्ट की बात करेंगे, तो रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर स्ट्रेंज, ठीक है। ये यस भी, सर। ये कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है बताओ? शाबाश। कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है? कुशस नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर स्ट्रेंज, ये कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है, किधर किधर रिपीट हुआ है? नो आराम से आराम से। यस लास्ट लाइन लास्ट सेंटेंस लास्ट लाइन मदर्स मुझे रिपीट हाँ, वेरी गुड। मतलब एक तो पहली पहले सिटेंजा की पहली लाइन में है और फिर और लास्ट लास्ट सिटेंजा के लास्ट लाइन में है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, है कि नहीं? तो ये दूसरी किस्म की रिपीटेशन है, ठीक है। हाँ, सर ये हो गया दूसरा, ये जो पोएटिक डिवाइस है
सो व्हाट इज दिस पोएटिक डिवाइस कॉल्ड? क्या भाई, क्या उमर? उमर, अरे इस पोएटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं? पहले तो हमने राइम सिक्किम पढ़ा पढ़ा, दूसरा? डिवाइस अरे नहीं, पोएटिक डिवाइस तो सारा है। दूसरा हमने रिपीटेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? पढ़ा, कुछ क्या? कुछ वर्ड्स को रिपीटेशन। हाँ, कुछ कुछ वर्ड को रिपीट, या कुछ सेंटेंस को रिपीट, या कुछ स्टाइल को रिपीट। ठीक है, आओ समझ। और फिर तीसरा, त्रयम छु आसा पोएटिक डिवाइस तच वना इस एंजेबमेंट। क्या बोलते हैं? एंजेबमेंट लिखो, ये एंजेबमेंट लिखो, कलम उठाओ और एंजेबमेंट लिखो कॉपी पर। शाबाश। एंजेबमेंट ENJBMENT। एंड लिखा? अनस क्या लिखा, क्या लिखा? एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट नहीं, एंजेबमेंट। ENJAB, अनस ENJABMENT, एंजेबमेंट। क्या लिखा? एंजॉयमेंट हाँ, अब मैं आपको समझाऊंगा एंजेबमेंट क्या गो। एंजेबमेंट गो अख सिटेंजा निमो इस कहाँ थी सिटेंजा। आप पहला सिटेंजा ले लीजिए। पहले सिटेंजा की लाइन जब पहली वाली खत्म हो जाती है, उस पर देख लीजिए आप, उसके आखिर में क्या है? किताब को देखिए, अनस किसमें क्या है एंड पर? पहली, पहला सिटेंजा जो पहली लाइन है, उसके एंड पर क्या है? ऑर्गनस फॉरेन हाँ? फॉरेनस नहीं, वर्ड के, वर्ड के आखिर में इसमें क्या सेमी बोलते हैं कोलन। इसको सेमी कॉलन अनस शाबाश, सेमी कोलन। दूसरी लाइन के आखिर पर क्या है? पूछता कुछ नहीं है। कहाँ है फुल स्टॉप? मैं नहीं, दो दो ना बुशवना गोडनु की सिटेंजा अमीश दोयम लाइन आज क्या एंडस पे त्रेमिस दोयम लाइन। स्टेंजा शाबाश। जिसमें कुछ नहीं हो उसको हम एंजेबमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजॉयमेंट यानी दूसरी लाइन कंटिन्यू हो जाती है कहाँ पे? तीसरी लाइन पर। दोयम लाइन त्रेम से पकान कंटिन्यू कूट त्रेम त्रेमी लाइन पर। नहीं पड़ा इस तरीके को हम एंजेबमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजॉयमेंट हाँ, ये याद रखो, ये एक से
स्टेंजा फर्स्ट में दूसरी और तीसरी लाइन पर एंजेमेंट है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? यस सर। हाँ, मतलब दोईमी तो त्रेमी लाइन पर एंजेमेंट क्या है? एंजॉयमेंट। शाबाश, एंजेमेंट। आप मुझे बता सकते हैं दूसरे दूसरे स्टेंजा पर, दूसरे स्टेंजा में कहाँ पर एंजेमेंट है? सर तीसरी लाइन में। वेरी गुड, दूसरी स्टेंजा में तीसरी लाइन पर एंजेमेंट है। शाबाश। चलो फिलहाल हम एंजेमेंट को छोड़ देते हैं यहीं पर, हम आगे देखेंगे। इस तरह से आपको एंजेमेंट जो पोएटिक डिवाइस है वो क्लियर हो गई क्या होता है? अनस हाँ, एम्पच ऑफ इंटरेस्टिंग तो इम्पोर्टेंट पे पोएटिक डिवाइस आ दैट इज कॉल्ड, आप लिखो कॉपी पर, एलिट्रेशन, ALLI, ALLITRATION, एलिट्रेशन। TRATI हाँ, इलिट्रेशन। ALLI, शाबाश, ALLI, यस सर। एलिट्रेशन लिखो, ALLI, अनस TR, हाँ शाबाश, ALLITR, TRATION अनस लिखा? यस सर। हाँ, एलिट्रेशन। अरे इरिटेशन नहीं, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। यस सर मैंने लिखा। हाँ, एलिट्रेशन, शाबाश, एलिट्रेशन। जैसे हाँ, एलिट्रेशन, शाबाश, एलिट्रेशन। अच्छा लिखवा, अनस अंडरलाइन शाबाश, को अंडरलाइन। वेरी गुड। ओके, वचु वुचुन एलिट्रेशन क्या गो? नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज एलिट्रेशन, ठीक है? यस नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज एलिट्रेशन। इलिट्रेशन। व्हाट इज एलिट्रेशन? हाँ बेटा, ले ले। आप सुनो। नाउ एलिट्रेशन मीन्स रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन क्लोज कनेक्शन। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन क्लोज रिपीटेशन हाँ इन क्लोज कनेक्शन। कंसोनेंट। हाँ, समटाइम्स व्हाट वी डू, समटाइम्स वी डू, वी नहीं, लिखो, मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। व्हाट वी डू, वी मेक यूज ऑफ वी यू वी मेक यूज ऑफ वर्ड्स दैट हैव बिगनिंग विद सेम लेटर्स, आइदर विद एम और विद एस और विद एनी अदर लेटर और विद एनी अदर लेटर लेटर। लेटर। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। एक मिनट, मैं आपको समझाऊंगा। उमर लिख तो। बकवास बंद करो। अच्छा सर दुबई टू
आपको ये दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन? हाँ? थोड़ी यार क्या क्या दिखाई दे रहा एयर उसमें। है? हाँ? आपको क्या दिखाई दे रहा है? चौबीस? मेडिसिन हाँ, मेडिसिन, माफिया, माफिया। मेडिसिन माफिया, मौलवी, मीडिया। हाँ, वी नीड अ मेसिया टू एंड मसीहा टू एंड डिलीमा एट पेंडियम। डिलीमा। हाँ, ये मेरा फेसबुक पोस्ट है। तो आप देखिए, मैंने किया है मेडिसिन, माफिया, मौलवी, मीडिया। मैंने मेडिसिन में एम, माफिया में एम, मौलवी में एम, मीडिया में एम, इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। यानी कि उधर से ये मीनिंग भी देता है, मेडिसिन, माफिया, माफिया का मतलब होता है जिसमें कारोबार की बात हो, और मौलवी, मौलवी तो मौलवी है, और मीडिया, मीडिया तो मीडिया है, और मसीहा, मसीहा तो पैगंबर को कहते हैं। यानी इसमें लिखा गया है कि जो आजकल की सिचुएशन है पेंडेमिक के बारे में, उसमें हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ जाएंगे, क्या सच है क्या झूठ है। इस तरह के लिखने को हम एलिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिट्रेशन। शाबाश। अब हम जाएंगे पोएम पर, और हम देखेंगे कि एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। हाँ, अब हम देखेंगे पोएम में कहाँ कहाँ एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। सर, हेलो उमर, हाँ सर, यस सर। हाँ, शाबाश। बोलो सर। चलो, बातें मत करो, सुनो। डिस कनेक्ट को मत। आप चुप चुप करो, चुप करो आप। हाँ उमर, सुनो। जो लाइन नंबर 2 है, फर्स्ट स्टेंजा की, दे टू लाइन नंबर 2 ऑफ फर्स्ट स्टेंजा, बनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीद्स। सर। नाउ बॉडी ब्रीद्स, बॉडी का बी और ब्रीद्स का बी। यस सर। ठीक है, अच्छा यहाँ सर। एलिट्रेशन है। ठीक है। यस एलिट्रेशन। हाँ, आई बात समझ में? हाँ यस सर। आप मुझे उम्र बताओ कहाँ पर और एलिट्रेशन है। शाबाश। थर्ड फर्स्ट फर्स्ट स्टेंजा थर्ड लाइन फर्स्ट स्टेंजा थर्ड लाइन कहाँ, किस वर्ड में? विच वी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये फोर्थ लाइन है। अनुसूचित फोर्थ लाइन। हाँ, फोर्थ लाइन, विच वी, वेरी गुड। अब आप बताओ वसीम कहाँ पर है? दूसरा स्टंजा है ना सर, हाँ डे टू हाँ एवियर हाँ आयरस। हाँ एवियर एवियर एयर, उसमें कहाँ है? ना ए ए नहीं, ये साथ साथ होना चाहिए, इसमें साथ साथ हाँ क्लोज होना चाहिए। एवियर ऑफ द सन एंड एयर, ये क्लोजली होना चाहिए। कम, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बीच में एक वर्ड हो सकता है। सर यहां पर कहाँ पर? है दे टू एवियर ऑफ द सन एंड आयर एंड। नहीं, एंड नहीं आएगा। एंड तो है, ये है, ये प्रपोजिशन है, ये नहीं आएगा।
एंड नहीं आएगा। उमर आप बताओ और कहाँ है अल्ट्रेशन? शाबाश, सर यहां पर कहाँ पर? फोर्थ लाइन पर शाबाश, कहाँ पर? लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओनर्स। आवर ओन, यस सर। हाँ ये है आवर ओन। शाबाश, वेरी गुड, ये एलिटेशन है, वेरी गुड। अभी आप उमर बताओ, आप थर्ड स्टैंजा सर में। हाँ सर थर्ड, फोर्थ स्टेंजा फर्स्ट लाइन व्हेन हाँ बताओ, एवर वी वेरी गुड, शाबाश। व्हेन और एवर बताओ और कहाँ है? शाबाश शाबाश, चलो ये आपको एलिटेशन का मालूम हो गया, ठीक है? यस सर। दिस इज लास्ट एलिटेशन। सर लास्ट स्टेंजा थर्ड हाँ, लाइन लास्ट स्टेंजा थर्ड लाइन। अनस आवर ओन हाँ आवर ओन, अनस चलो ठीक है, ये भी ठीक है, आवर ओन ये भी ठीक है। अभी आप, मैं आपको एक और बताऊंगा, आप कॉपी पर लिखो सर। लिखो एक और ये पोइटिक डिवाइस होती है, ये सब हम पोइटिक डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, अनस वो है ट्रांसफर्ड इपिथेट। ट्रांसफर्ड, TRANSFERD, ट्रांसफर्ड। अरे ट्रांसफर्ड लिखो, TRAN वो लिखा है ना स्पेलिंग, इसमें कमेंट में लिखा है ना, दिखाई नहीं देता है। ट्रांसफर्ड, लिखती कदस मोबाइल स्क्रीन पर नहीं आता है? नहीं सर। आप वहाँ पे ये ऑन करो क्या, आप वो जो डॉट वाला है ना, चार डॉट्स, अनस चार डॉट्स पर ऑन करके टर्न ऑन, टर्न ऑन कैप्शंस करो। कहते उमर चार डॉट्स है ना नीचे, क्षेत्रीय हाँ वो, उस पर क्लिक करो, किया क्लिक, सर उमर फिर टर्न ऑन कैप्शंस है। नो सर नहीं है? शोन कैप्शन सर हाँ वही है, वही है, शोन कैप्शंस, उसको ऑन करो, कुरुमस फिर आपको आएगा। हाँ अब आपको, ओके हाँ अब आपको आएगा लिखा हुआ, जो हम बोलेंगे वो लिखा जाएगा, इस तरह से आपको स्पेलिंग भी आएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। उमर आपके 3 विंडोज़ खुले हुए हैं, 2 बंद कर लीजिए आप। डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट चलो अच्छा छोड़ो, अभी आप ट्रांसफर्ड लिखा ना आपने, ट्रांसफर्ड इपिथेट, हाँ अभी लिखा ना ट्रांस इपिथेट, सर ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसफर्ड, आप दिखाई देता है, लिख लिख कर सामने आता है, जो हम बोलते हैं वो लिखा जाता है। यूसेज पारा, यूसेज जबान वनान छ सुचा स्क्रीनस पर लिखने यहाँ पान है। अन हाँ चुना खासान, आदेश खासन हाँ आत्मस खै स्पेलिंग थे, ट्रांसफर्ड इपिथेट, इपिथेटस क्या खोल स्पेलिंग। EPITHET हाँ वेरी गुड, अभी आपको स्पेलिंग बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही चल चल, हाँ शाबाश, ट्रांसफर्ड इपिथेट। आप लिखो, आप लिखो, आप यूज ऑफ एन एडजेक्टिव, यूज ऑफ एन एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव विद द नाउन व्हेन इट रेफर्स टू, नाउन
अनदर नाउन जो लिखा है वही लिखो। अनदर नाउन। Another noun. हाँ ठीक है, Yes, शाबाश। अब इसका मतलब क्या हो गया? यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विद द नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अनदर नाउन। कोई अमर, Yes. इसका मतलब है हम किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं किसी और नाउन के साथ, जो एडजेक्टिव किसी और नाउन का है लेकिन हम उसको उसका इस्तेमाल किसी और नाउन के साथ करते हैं। जैसे अरस आप लिखो पीसफुल हार्वेस्ट्स, पीसफुल हार्वेस्ट्स। अरस नहीं, ये व्यास इसकी एग्जाम्पल है। पीस एसी पीस एफ अरे क्या लिखा है ये? पीसफुल पीसफुल, पीसफुल हार्वेस्ट्स, हार्वेस्ट हार्वेस्ट्स, पीसफुल हार्वेस्ट्स। सर लिखा ये किताब में भी है, पीसफुल हार्वेस्ट्स पोइम में। ये पीसफुल हार्वेस्ट्स है कहाँ पर? स्टैंजा 2, लाइन नंबर 2, पीसफुल हार्वेस्ट्स। ठीक है, उमर अरे अब आप देखो मेरी बात सुनो। एक तो आप ये मोबाइल ठीक करो, जैसे वसीम को कट नहीं हुआ, इसको कंटिन्यू चलता है, तुम्हारा कट होता है, इसको सेटिंग में देखो क्या प्रॉब्लम है, कट नहीं होना चाहिए। नंबर अरे नंबर दो, जो पीसफुल हार्वेस्ट है ना, उमर, उमर, हाँ यस सर मैं उमर को बोल रहा हूँ, उमर, उमर, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट एडजेक्टिव है जो हम किसी नाउन के एडजेक्टिव को दूसरे नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीसफुल हार्वेस्टस। हार्वेस्टस मतलब गो येलिस लोनान च कांच चीज, हार्वेस्ट करांच, हार्दचना इस दान लोनान। ठीक है, पीसफुल कौन होते हैं? पीसफुल होते हैं लोग, पीसफुल होते हैं लोग लोग। होटल नहीं तो पीसफुल को हार्वेस्ट से वैसे लेना देना है नहीं है, नहीं। लेकिन शायर ने इस्तेमाल किया है पीसफुल हार्वेस्ट। तो जब ये होना चाहिए था पीसफुल पीपुल, पीसफुल पीपुल, लेकिन पीसफुल पीपुल के बजाय पीसफुल हार्वेस्ट इस्तेमाल किया है। तो पीपुल से एडजेक्टिव को लिया है और उसको हार्वेस्ट के साथ लगाया है। तो जब एक नाउन के एडजेक्टिव को दूसरे नाउन, जो हार्वेस्ट है वो भी नाउन है, उसके साथ लगाया गया है, तो उस तरीके उस टाइम पर हम उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट इफिटेक हाँ
मैं आपको रिपीट करता हूँ आज के जो ये है पोएटिक डिवाइसेस आपने पढ़े। पोएटिक डिवाइसेस एक तो राइम स्कीम आपने पढ़ा, वो इसमें फ्री राइम स्कीम है, फ्री वर्स है। और दूसरा है रिपीटिशन। रिपीटिशन में आपने देखा रिमेंबर 5 टाइम आया है, और रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन वो आया है 2 जगह, और फिर एंजेबमेंट। एंजेबमेंट मैंने आपको वो कामा वामा के बारे में एक लाइन दूसरी लाइन में जाती है वो भी मैंने पढ़ाया, और फिर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का बताया कि जो मतलब कॉन्सोनेंट्स की सेम साउंड इन क्लोज कनेक्शन होती है, तो वो आपको पढ़ाया, वो भी आपको समझ आया है, और वो भी आप पोइम में से निकाल के। हाँ, कॉन्सोनेंट्स एक जगह है, वार लॉन्ग विंटर स्टारवर्ड, वार लॉन्ग विंटर स्टारवर्ड, वार लॉन्ग विंटर स्टारवर्ड कहाँ पर है? वार लॉन्ग विंटर स्टारवर्ड सर शाबाश, पोइम में कहाँ पर है वार लॉन्ग विंटर स्टारवर्ड? सेकंड स्टैंजा सेकंड लाइन में हाँ, सर। सेकंड सेंटेंस है सेकंड। तो वार और विंटर, वार और विंटर, ये भी एक एलिट्रेशन है, ये भी एक। इसमें वार और विंटर, डब्ल्यू और डब्ल्यू, ठीक है। सर इसमें बीच में लॉन्ग है, लेकिन वार और विंटर ये क्लोज कांटेक्ट में है, क्लोज कनेक्शन में है, ये भी एक एलिट्रेशन, इसको भी कहा जा सकता है। और फिर मैंने आपको ट्रांसपोर्ट एपिथेट पढ़ाया, तो ये आप घर में इसको देखेंगे, और कहाँ कहाँ एंजेबमेंट है,